سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

आज की वीडियो का वान ए नौजवाना ने शीह जी ए मकतब तशैयों के नौजवानों होशियार बाश मजालस में जाइए ज़रूर जाइए मगर ऐसा ना हो कि मजालस आपसे आपका इमाम मुकाम इबने अली मुक़ाम हुसैन इबन अलीसलम से दूरी का बायस बन जाए वो मजालस के जहाँ आपको अकायद सीखने होते हैं वो मजालस जहाँ पर आपको तलीमत कुरान अल बैत सिखाई जाती हैं और वो मसाले मजालस जहाँ आप फजाइल व मसाहिब मामे अली मुक़ाम और ख़ान वादा अहल बैत से आशना होते हैं वही मजालस खुदान खासा अकीदे से रब से तोहद से दीन से शरीत से कुरान से और ख़ुद अहल बैतल् असलम से दूरी का बायस ना बन जाए आज की वीडियो इसी दावत फ़िक्र को लिए हुए है आज की वीडियो में मुखसरा आपकी खिदमत में एक मैार जो अहल बैतल्म ने पेश किया है महाफिल मजालस के लिए या वो मैार जो अहल बैतल्लाम ने जो एक पहचान बताई है कि उनका आलिम उनकी नज़र में आलिम कौन है उनकी नज़र में बाइ कौन है उनकी नज़र में जाकिर कौन है और किन मजालस में किन अकीदे के हामिल अफराद की मजालस में जाने की इजाज़त हमें अहल वैद ने दी है तरवीज की है और किन के बारे में सोशल बाइक का हुक्म दिया है तो आज की इस वीडियो में इनशाला हवाला जात आपको स्क्रीन शॉट की शक्ल में लगा दिए जाएंगे हम कुछ मुख्तसर रवायात की तरफ़ रजू करेंगे आयमा इतार में से कुछ आयमा की तरफ कि जिनकी फ़रहमीन की रोशनी में हम आपको दावत फ़िक्र देंगे कि किसकी मजलिस आपने सुननी है किसकी मजलिस में शिरकत करना है किस मजलिस से फैज़ याब होना है और किन मजलिस पढ़ने वाले उल्मा और ज़रीन और खुतबा का सोशल बाईका्ट का हुक्म है और ज़रीन का लफज आप हटा भी लें तो किन नजरियात के हामिल अफराद का सोशल बाईकाट करने का हुक्म खुद मासूम ने दिया है हमने नहीं दिया ये या हम नहीं कह रहे ये हमारा गुजारती जतीी घड़ा हुआ फ़तवा या नज़रिया नहीं है मेरे मोहतरम नाजरन सामीन इसमें कोई शक नहीं कि मजाले से हुसैनिया मजाले से अज़ा इन में शिरकत करना ना सिर्फ कार बासवाब है जी बल्कि ये अजर रसालत को अदा करने की भी एक कोशिश है जी खान वादा अल ब्यात के अजीम तरीन फर् और जनाब रसूल खुदा सल्ला वसलम ख़ातिबिया की गोद में पले भड़े और उनके बारे में सरकार ख़तम मरतबत सलिल्ला वसलम का ये फ़रमान अली शान हुसैन व मिन्नी वाना मिनल हुसैन इनसैन मिसबाहुदा व सफ़ीना तोजात के बेशक मैं हुसैन से हूँ हुसैन मुझसे है जी और बेशक हुसैन हिदायत का चिराग और निजात का सफ़ीना है जी उनको खराज क़ीदत पेश करना उन पर होने वाले जुल्म और जबर के ऊपर सदाए एहतजाज बुलंद करना और क़्यामत तक अपने इस अज़ीम हीरो अपने इस अजीम मौसन के जिसने हमें जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ खड़े होने की हिम्मत बख्शी जिन्होंने हमें अल्लाह ताली की हाकमियत के अलावा किसी की हाकमियत को कबूल करने का ना करने का दर्स दिया और जिन्होंने हमें यह सिखाया कि हरीत क्या है जिन्होंने हमें यह सिखाया कि अल्लाह अल्लाह पढ़ने वाले को उस पर यकीन कामिल कैसे रखना है और कैसे एक अल्लाह की आ, मदद का मंतज़र रहना है और एक अल्लाह की हाकमियत की खातर पूरे ज़माने से भी टकराना पड़े तो टकरा जाना है इस अज़ीम हरों को तारीख़ इस्लाम बल्कि तरीख़ इंसानी के इस अजीम मुजाहिद को हमारा सलाम और इन्हीं की कोशिशों इन्हीं की कुर्बानियों को खराज की क़ीदत पेश करने का और इनके ऊपर ढाए जाने वाले मुजालम के ख़िलाफ़ सेदायजाज बुलंद करने का नाम आजादारी है जी अब मैंने जैसे अर्ज की कि बिलाशुबह ये बायस स्वाब है बायस अज़रो अज़रो रहमत है खुदा तला की खुशनुद्दी का बायस है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर मजलिस क्या हर मजलस ही बाईस अजर स्वाब है क्या हर मजलिस में ही आयम तहार की रवा आई होती हैं क्या हर मजलिसी जो है वो अजर रसालत का हाकद अदाह करने के उसमें शिरकत करना मुतरदफ़ है और क्या इसी तरह हर चीज़ जो आजादारी में शामिल की जाए कहा जाता है हमारे मम्बरों से खुतबा और वाजीन लोगों की वाहवा समेटने के लिए उनको बदअमल बनाने के लिए बेअमल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते और कहीं से फ़तवा उठता है कि जंजीर जनी के बदले निकलने वाले खून के कतरे की कीमत जन्नतफरदोस है लोग इशारे माल हो गए जब मैंने जंजीर साल में एक दफ़ा चला ही लेनी है जन्नत का मालिक हर साल एक नए प्लाट का जन्नत में मालिक बन ही जाना है तो मुझे अमाल की तरफ कौन सी रवायत कौन सा वाइज माइल कर सकता है मैं ये नतीजा आप पे छोड़ता हूँ कि जब मुझे पता ही चल गया है कि मेरे नाम जन्नत में हर साल एक नया प्लाट अलाट हो जाता है जी तो फिर मुझे मेरी मर्जी मैं अगर शब कदर में इबादत कर लेता हूँ नमाज पंजगाना की पाबंदी कर लेता हूँ तो बड़ी बात है वरना जन्नत का तो मैं वारिस खून के कतरे ने मुझे बना दिया आज़ादारी बिलाशुबा बायस इबादत भी है बायस अजर रहमत भी है सब कुछ है लेकिन कौन सी आज़ादारी इसको कौन वज़ा करेगा इसको हमारे जाकरीन ख़ुतबा क्यों नहीं मैंबरों से बयान करते हैं क्या हर साल आज़ादारी के नाम पर इस कार खैर में शामिल होने वाली हर बदत इबादत है जी क्या खूनी मातम इबादत है कुछ लोगों के नज़दीक शदीद तरीन इबादत है अभी जो मैंने बात की कि जंजीर जनी के बदले निकलने वाला ख़ून जन्नतफरदोस का मालिक बना देता है ये किसी जाकर का कॉल नहीं है ये किसी आम आलम का भी कॉल नहीं है ये उस शख्सियत का कॉल है अब तो मरूम हो चुकी वो शख्सियत कि एक ज़माना जिनकी तकलीद करता है और तकलीद मुशत की, की जाती है बात आप पे हो गई तो कहने का मकसद है कि पहले मुख्तसरा इस पर गुफगू करते हैं मेरे जीज़ो कि इमाम वक्त जो होता है बाद अजनबी ख़ुदा सल्ला वसलम आकएद वो जहाँ ख़ात लम्बियाँ जो मासूम वक्त होगा जो इमाम वक्त होगा वो उम्मत के दीगर अफराद बल्कि पूरी उम्मत के ऊपर उसका ये स्टेटस होता है कि वह अफज़लबर है मकतब तशैय के कायद के मुताबिक जी और इंसान कामिल है उस दौर का इंसान कामिल उस दौर का इमाम या मासूम वक्त ना उस इमाम और उस मासूम से कोई इबादात में बड़ा होता है वो इबादात वाजबी हों मुस्तहबी हों नवाफिल की सूरत में हो ना सदकात और सखावत में कोई बड़ा होता है जी ना ही यानी किसी अमल में ना शुजात में ना इल्म में ना हिल में किसीवान से कोई शख्स इमाम वक़्त से आगे बरतरी नहीं हासिल कर सकता कोई ऐसी नफली इबादत मस्तबी इबादत सदक़ात केनवान से हो नमाजों के अनवान से हो कोई भीबादत हो मीठा बोल हो इम हो सब्र हो बर्दाश्त हो कोई ऐसी इबादत नहीं है कि जिससे बादस नबी खुदा सल्ला वसलम आल महमदुसम के घराने से और मासूम वक्त से कोई शख्स बाज़ी ले जाता हो ये है वो मुकदमा अब इससे हम कुछ दावत फ़िक्र आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि जब ये तय हो गया कि आल महमदुस बाद रसाल माप सल्ला वम उनका हर इमाम हर वक़्त का मसूम हर लिहाज से उम्म से बड़ा होता है बड़ा हुआ होता है इबादत इबादत के अनुमान से कायद के अनुमान से तो फिर मुझे ये बताइए कि अगर जंजीर चलाना इबादत है अगर कुमा ज़नी करना इबादत है अगर आग और कोयलों पर चलना इबादत है तो इस इबादत से जनाब सैद सजाद से लेके इमाम जमान तक की ज़िंदगी के जो हालात और वाकयात मिलते हैं ये आयमा तहार इस इबादत से महरूम क्यों रहे ये जवाब दीजिए जो डिफेंड करते हैं या जिन्होंने इस मौके पे आजादारी के खूनी मातम के अनवान से सकूत तारी किया हुआ है या जो लोगों को कहते हैं कि जी मुस्तैब है फलाँ वो इस चीज़ का बस जवाब दे दें हम हाँ मदना से तालब इलम है सवाल करना हमारा राइट है हमें कुरान ने इजाज़त दी थैत ने इजाज़त दी हमें इस चीज़ का जवाब दिया जाए कि जब हमारे मासूम वक़त हर वक़त का मासूम हर लिहाज से उम्म से आगे बढ़ा होता है कोई ऐसा कारैर नहीं है जिसको वो अंजाम नहीं देते तो कोई ऐसी बिदत नहीं है जिसकी वो मुखालफत नहीं करते तो फिर इस कार खैर या खूनी मातम को बाकायदा अहतमाम करके सर अंजाम देने वाली इबादत से वो क्यों महरूम रहे तो हर हर चीज़ जो रजादारी में आप दाखिल कर दें कि क्या वो इबादत है इस साल मुहरम हर हराम में जिस साल हम जिस जाकर को सुने उससे यह सवाल कीजिएगा अगर उसका जवाब हाँ में हो तो ये मेरे वाला सवाल फिर उससे दोहराइएगा ज़रूर कि आय माई वक्त फिर इन बात यानी खुद खुनी मातम जैसी बाात से क्यों महरूम रहे अब चलते हैं अपने मेन मौजू की तरफ़ आज हम आपको कुछ रवायात पेश करेंगे इमाम अली रज़ा की मुस्ंद रवायात और अदीस ऐन अखबार रजा है जी शेख सदूक रहमा की किताब है इसमें उन्होंने वो रवायात बड़ी मेहनत से इकट्ठी की हैं इसमें से इकतबास पेश करेंगे उसके बाद रसलूलशरिया फ़ी अकद शी इसमें कुछ कबला आयतुल्लाशेख मोहम्मद हुसैन एचवी साहब कबला ताला उन्होंने कुछ रवायात इकट्ठी की हैं वो आपकी ख़िदमत में पेश करेंगे और मकसद जो है पेश करने का वो ये है कि मेरे चीज़ों मुहरम हराम की आमद के साथ ही नेट पर टी वी पर या लाइव या माम बारगाह में या किसी के घर कोई भी मजलिस हो एक बंद शी जो है बंद मोमिन जो है जी अब मोमिन पता नहीं कहना चाहिए मुझे अपने समेत किसी को कि नहीं चूँकि मोमिन का म्यार उसमें पता नहीं मेरे मुझ जैसा गुनागार तो नहीं उतरता अल्लाह करे बाकी ममिन उतरते हों तो क्या हर मजलिस में चले जाना चाहिए पढ़ने वाले का नाम पढ़ने वाले के अकायद चूंकि आपने वहाँ जाके तकरीर नहीं करनी तकरीर सुननी है और जो सुनना है उसके असरात होते हैं जो सुनना है वो कीदा आप तक मुंतकिल होता है तो क्या हर सुनने वाले की मजलिस में चले जाना बायस सवाब है हर मजलिस पढ़ने वाले के ख्याल और नज़रियात पर वाह करना बायस सवाब है हर मजलिस में पढ़े जाने वाले कहानी और किसें जिनको मसाइब का नाम दे दिया जाता है ज़ीफ़ रवायात का सहारा लेकर बल्कि घड़ी हुई रवायात उनको सुनना स्वाब है इमाम ने कोई जमन का क्राइटेरिया को मैार करायटेरिय, मुर किया है मजालस के ुमान से या किसी की शख्सियत के ननुान से या किसी के कायद और नजरियात के ुवाान से कि जनाब इन अक़ायद और नजरियात के हामिल अफराद के करीब होना है तो इन अकायद और नज़रियात के हामिल अफरा का सोशल बाइक करना है सिर्फ दूर नहीं होना प्रॉपर बाइक करने का हुक्म अभी पेश करेंगे हवाला जात के साथ इन लज़ीज़ तो ये हमारी आज की दावत फ़िक्र है मजालस में जाइए बिल ज़रूर जाइए यकीन जाइए लेकिन जाने से पहले ठहरिए रुकी समझिए सोचिए कि जिस मसूफ की मजलिस आप सुनने जा रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है मजालस से वो दीन कितना को पेश करता है कुरान कितना पेश करता है सीरत तलीमत आल मोहम्मद कितनी आपकी खिदमत में पेश की जाती है फ़िका की तरफ आपको कितना यानी उस मजलिस खुलासा ये कि उस मजलिस घंटे सवा घंटे के मजलिस से उठने के बाद आप वही हैं या उससे भी पीछे चले गए हैं या आपने कुछ सीखा कुछ हासिल किया आप कुरान और दरीन दीन और शरीयत और मकसद व पयाम करबला के करीब हुए अगर तो करीब हुए तो हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि ज़रूर ऐसी मजालस में जाइए वरना अगर ख़ुदा न खास्ता आप जो थे उससे भी पीछे हो गए और ये जो अभी रवायात आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी अगर इन नज़रियात के आमल अफरा के आप मजाले सुनते हैं तो फिर ठहरिए रुकिए सोचिए समझिए फिर फ़ैसला कीजिए जी मोहतरम नाजीन सामिन इसमन सबसे पहली जो रवायात आपकी खिदमत में पेश की जाएगी वो रजाल कशी किताब है जी उससे ये किबला ने इसको नक़ल किया है और ये रवायात सुन के आपने फ़ैसला करना है कि अगर पढ़ने वाले के अक़ायद आपको इन रवायात के करीब लगें पढ़ने वाले के नज़रियात आपको इन रवायात के करीब लगें तो फिर आपने सिर्फ उसको सुनना नहीं है उसका सोशली बाइकाट करना है ये मैं नहीं कह रहा अभी आपको हुक्म मासूम में सुनवा देता हूँ <laughs> अच्छा जी इसमें इमाम मामे सलाम से रवायत की गई है कि हमारे शीह कहलाने वालों में से कुछ लोग हमारे मतलब वही कुछ कहेंगे और वही अकीदा रखेंगे जो कुछ यहूदियों ने जनाब उज़ैर कुछ नसरानियों ने जनाब ईसा के बारे में रखा था ना वो हमसे हैं और ना हम इनसे हैं बाई का पहला ये इशारतन बाई काट था अभी खुल के भी आता है कि ना वो हमसे हैं ना हम उनसे हैं क्यों? कि वो ही अकीदा रखेंगे जो यहूदी जो जिनाब जहर यानी अल्लाह का बेटा यानी मानवी अतबार से ख़ुद ही खुदा माजल्ला और नुसरानी जिनाब ईसा के बारे में अब यहाँ कहा जाएगा कि जी ठीक है ये रिवायत हम दुरुस्त मानते हैं लेकिन गाली से गाली बंदा भी जो है वो उनको अल्लाह का बेटा तो नहीं मानता मासूमिन को जी अल्लाह का बेटा नहीं बल्कि उससे भी बढ़ के ख़ुद अल्लाह मानता है तो जुर्म बढ़ गया या कम हुआ मिसरानी और यहूदियों से वो अल्लाह का बेटा मान रहे हैं या अली कोई रब कहा जा रहा है तो हर ऐसे शख्स का बाइकाट कीजिए जिस शख्स के नज़रियात या जिस शख्स की तकरीरों में आपको अली को रब बना कर पेश किया जाए या अली को माज अल्लाह माज़ अल्लाह मकाम में रवियत पर रख के कुछ कम्पेरिज़न पेश किए जाएँ ये बाइकाट आप पे फ़र्ज़ है कोई आसान नहीं है आगे चलिए इसके बाद जनाब इमामक सलाम फरमाइए साथ साथ हम इन तस्वीर लगाते जाएंगे जी इमाम सदक आई सलासम ने ही एक रवायत में फ़रमाया खुदा इस बंदे पर लानत करे जो हमारे मतलब वो बात कहे जो ख़ुद हम अपने मतलब नहीं कहते खुदा उस बंदे पर लानत करे क्या आयमा ने कभी यह दावा किया कि रिस्क वो देते हैं क्या आयमा ने यह कभी वो दावा किया कि ज़िंदगी मौत के मामल उनके हाथ में हैं कभी आयमा ने यह दावा किया कि बलायत तकवीनी के तहत उनको तफवीज़ का हक हासिल है तो फिर जो इस जमन आपको वर्गलाते हैं जो इस जुम्मन आपको झूठी कहानियाँ किससे सुनाते हैं उन पर तो आइमा लानत कर रहे हैं और आप उनकी मजालसन रहे हैं फैसला खुद कीजिए इसी रिवायत में आगे कहते हैं कि और हमें इस खुदा की बंदगी से हटाए जिसने हमें पैदा किया है यानी हमें उसके बंदगा होने से उसकी इबूदियत से ही खारिज कर दे कि जिस जो हमारा खालक है और फिर इसी की तरफ हमारी बास है और इसी के कब्ज़ा कुदरत में हमारी बस् तो कुशाद है यानी हर चीज़ हमारी उसी के कब्ज़ कुदरत में हमारी जान हमारे इरादे हमारी हर चीज़ वो बंदा जो उठ के हमें उसकी इबूदियत से खारिज कर दे और उसके मुकाम तक ले जाए उस पर अल्लाह की लानत है और उसके बाईकाट का हुक्म है जब लानत कर दी तो पीछे क्या रह गया तो हर ऐसे बायस जाकर ख़तीब आलम से किनारा कीजिए उसकी मजलिस का बायाट कीजिए कि जो आपको वलायत तकवीनी के तहत तफवीज़ की तरफ ले जाए या वो दावे जैसे इमाम कह रहे हैं कि हम ख़ुद अपने बारे में नहीं ये बातें कहते और लोग कहते हैं उन लोगों से दूरी इख्तियार करना आप पर मुझ पर वाजब है इससे आगे चलें इमाम सदक असलात से ही रिवायत है कि मुफसल जनाब मुफसल से रवायत है कि एक मरतबा जनाब सद आल महमदुमसल्लासम की खिदमत में खताब गाली और बाद दूसरे गालियों का जिक्र छेड़ा गया या पढ़ लीजिए स्क्रीन पर आ रहा है लफ्ज़ गाली है और गाली ख़लू करने वाला यानी आयमा को उनके मुक़ाम से बढ़ा देने वाला और उनका मुक़ाम क्या है इस पर भी इन बात करते हैं जी जनाब सद आल महमद की खिदमत में अबुलखाब गाली और बादज दूसरे गालियों का जिक्र छेड़ा गया तो आन जनाब ने फ़रमाया अमजल इनके पास ना बैठो ना इनके हमरा खाओ पियो ना इनके साथ मुसाफा करो ना इनको वरासत में शरीक करो गालियों को आप बताइए सोशल बाई कार्ड में क्या क्या आता है यही चीज़ें तो आती हैं कि ना उनकी गमी खुशी में शरीक होना है ना खाना पीना ना मुसाफा कितनी मामूली चीज़ है बंदा क्रिश्चियन लोगों से भी गैर मुसलमों से भी मुसाफा कर लेता है यहाँ कहा जा रहा है उनसे मुसाफा भी नहीं करना मुसाफा भी मना है ममनू है और वरासत में शर्क नहीं करना अलामा मजलसी इस हदीस शरीफ़ की तशरी करते हुए लिखते हैं कि यानी इनको मरास ना दो क्योंकि ये मशरक है अमामा मजलिसी ने इस हदीस की तशरी कहा है कि इमाम ने वाज़ उनको मशरक कह दिया इसलिए कि मुसलमान जो मुसलमानों की वरासत का मशरक वारस नहीं बन सकता अच्छा जी इसके बाद आगे बढ़िए अयून अखबार रज़ा की एक रवायत आपकी खिदमत में पेश करते हैं और एहतजाज तबरसी में भी ये रिवायत नकल की गई है जिसमें इमाम अली रज़ा वसलाम फरमाते हैं कि जो शख्स ये गुमान करता है कि खुदा बंद आलम ने पैदा करने और रज देने का मामला आयमा आईम के स्पुरद फरमा दिया है पैदा करने और रज देने का मामला आई के सपुर्द फरमा दिया है वो तफवीज़ का कायल है जबर का कायल काफ़र तफवीज़ का कायल मश्रक का 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 ये है इमाम अली रज़ा का कौल मुबारक जो आप स्क्रीनों पर देख भी रहे अच्छा जी फिर बारवायत हुसैन इबन ख़ालिद इन्हीं हज़रत यानी माम रज़ा सलाम से एून अखबार में एक और रवायत है इसके बाब नंबर ग्यारह में पुरानी तबाह आप फरमाते हैं अब ये आपने गौर से सुनना है ये आज की गुफ्तु का निचोड़ इसी के ऊपर है ये आपको समझ आ गई इमाम मासूम के कलमात और जिस तरह जुम्मन वो इशारा कर रहे हैं जो मैार आपको वो दे रहे हैं अगर ये आपकी समझ में आ गया तो हमारी भी मेहनत सफल हो गई तो आपका भी काम इंशाल्लाह हो गया वो शौर आप तक पहुंच गया अगर ये अलफाज आपने समझ लिये आप फरमाते हैं फ़रजंद ख़ालद ए इबन खालद, खालद जबर व तशबी के मुतालिक हमारा जो हमारी तरफ जो अखबार मनसूब है अखबार खबरों की जमा यानी जो ख़बरें जबर व तशी के मतलब हमारी तरफ मनसूब हैं ये सब गालियों ने खड़ी हैं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं साथ साथ वो गाली वो गाली अब गालियों का तारफ शुरू हो गया वो गाली जो अल्लाह सुबहाना की अजमत व जलालत को घटाते हैं पस जो शख्स यानी अल्लाह के अल्लाह की अजमत पर हमले करते हैं यानी कि खुल के नहीं कह सकते सामने आ सकते तो इन हस्तियों की आड़ लेकर बाज़ ने तो ऐसी ऐसी बकवासियात की हैं नेट पर मौजूद हैं कि जनाब ये तो अल्लाह के भी खालक है माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह अब सुने बस जो शख्स इन गालियों से मोहब्बत करता है वो हमसे बुग़ रखता है जो इनसे से बुगज़ रखता है वो हमसे मोहब्बत करता है जो इनसे दोस्ती रखता है वो हमसे दुश्मनी करता है जो इनसे दुश्मनी रखता है वो हमसे दोस्ती रखता है जो इनसे वसल करता है मेल मिलाप करता है मजलिस पढ़ाना पैसे देना मंबर पर बिठाना बड़ी दूर की बात है मेल मिलाप सलाम दुआ रखता है जी वो हमसे क़ा करता है और जो इनसे क़ाय ताल्लुक करता है वो हमसे वसल करता है हमारे से मेल मिलाप बढ़ाता है ये लफाजों को ऐसे ही ना फेंक दीजिएगा समझिएगा कितनी सख्त अहकाम हैं जो इन पर जफा करता है वो हमसे नेकी करता है और जो इनके साथ नेकी करता है वो हम पर जफा करता है जो इनका अहराम और एहतराम करता है वो हमारी तोहन का मरतकब होता है और जो इनकी तोहन करता है वो हमारा एहतराम करता है जो इन्हें कबूल करता है तो वो हमें रद्द करता है और जो इनको ठुकराता है वो हमें कबूल करता है जो इनके साथ अच्छा सलूक करता है वो हमसे बुरा सलूक करता है और जो इनसे बुरा सलूक करता है वो हमसे अच्छा सलूक करता है जो इनकी तस्दीक करता, करता, तो करता है वो हमारी तकजीब करता है तो जो इनकी तकजीब करता है वो हमारी तस्दीक करता है जो इनको देता है वो हमें महरूम करता है और जो इनको महरूम कर देता है वो हमें दे देता है ए इबन खालिद जो शख्स भी हमारे शीयों में से है फ़ाइनल स्टेटमेंट फ़ाइनल ऑर्डर आगे आ रहा है गौर से सुनिए ए इबन खालिद जो शख्स भी हमारे शीयों में से है यानी शी होने का दावा करता है इस पर लाज़म है कि वो इन लोगों में से किसी को ना अपना दोस्त और मददगार बनाए ना दोस्त बनाए तो ना मददगार बनाए मेरे मोहतरम नाज्रन सामीन दोस्त और मददगार बनाना तो दूर की बात अगर आज के आलात मौला के सामने पेश किए जाएँ तो उनसे कहा जाए कि आपने तो मना किया था कि वसल भी नहीं करना तो मुसाफा भी नहीं करना मेल मिलाप भी नहीं बढ़ाना और दोस्त भी नहीं बनाना यहाँ तो उनको आलिम बनाकर उनको अथॉरिटी समझ कर उनसे दीन लिया जा रहा है उनको मेम्बर पर बैठाया जा रहा है तो आपके पास क्या जवाब होगा सुनने वालों जब तक तुम लोग अपना म्यार नहीं बदलोगे ए हुसैनी मजालस और मरासम आज़ादारी में शिरकत करने वालों जब तक तुम्हारे सुनने का म्यार नहीं बदलेगा इनका पढ़ने का म्यार नहीं बदलेगा इनको पैसा पैसे से मतलब है पैसा आता है मजमा इकट्ठा होने से पैसा आता है वाह वाह ज़्यादा होने से और वो वाह वाह ज़्यादा आप शरीयत सुन के कर लेंगे तो ये आपको शरीयत पढ़ाना शुरू कर देंगे आप गालियों की किसे शुरू पे वाह वाह शुरू कर देंगे ये वही किसे आपको सुनाएंगे आप इनसे दीन हकीक़ी की तालीमात सुन के वाह वाह करेंगे या दीन हकीकी की तालिम... इनका मैार पैसा है पैसा दिखा तो जदर मर्जी मोड़ आप किसे कहानियों पे वाह वाह करते हैं इसलिए ये किसे कहानियाँ सुनाते हैं ये आपको फलसफा सुनाते हैं आप फलसफे के कायल हो जाते हैं या आपको फलसफा सुनाते हैं जब तक सुनने वालों आप लोगों का म्यार नहीं बदलेगा ना बानी की अकल ठिकाने आएगी तो ना पढ़ने वाले की अक़ल ठिकाने आएगी और इनमें से जो साबत शुदा हैं मतलब आप कोई बंदा अगर जनाब आदम का खाले अल्लाह को छोड़ के अली को कहे क्या उसकी गालीयत में कुछ शक है उसके मुशरक पुणे में कुछ शक है तो मुझे ज़रा बताइएगा कि कितने आप के आपके मकत के जैदा कराम ने आसफ़ अलवी के ऊपर शिरक का मुशरक का फतवा लगाया है वो फतवा मेरे साथ शेयर कीजिएगा मजम्मतें नहीं कि मजम्मत की है मजम्मत छोड़ दें जब एक बंदा अपने रजू नहीं कर रहा तायब नहीं हो रहा आज भी उस पर कायम है तो शर्क नहीं है मुशरक नहीं है वो गाली नहीं है इमाम के इस कहने के मुताबिक और कितनी सख्त दीस अभी आपकी खिदमत में पेश की जो कोई बंदा तोनसवी जैसा कहे यानी सूरत तोहैद की तफसीर में जनाब वो मौला अली को भी में शामिल कर ले कि ना हमने किसी को जना हमसे जना गया माजल्ला सुमा माज़ल्ला उसकी गालियत में कुछ शक है अभी भी इसको आप सुल्तान कहेंगे और किस मुंह से आपने हुसैन के सामने पेश होना है रोजे मैशर हम लोगों ने बिगाड़ा है तुम लोगों ने बिगाड़ा है तुम्हारी वावा ने बिगाड़ा है इनकी औकात इतनी नहीं थी जितना तुम्हारी वावा ने इनको साथ में आसमान पर पहुंचा दिया इनकी हसीयत इतनी नहीं थी बहरअल जनाब फजल बिन यस, यस यार बयान करते हैं कि मैंने इमाम जाफर सदालतम की खिदमत में हाज़िर होकर उनसे ये सुना क्या सुना आइए हम भी सुनते हैं आपने फरमाया कि अपने नौजवानों के मुतक गालियों की मेल जोल से डरो लो ऐसे नहीं हमने टाइटल रखा क्या नौजवान शिया और शार बाश अपने नौजवानों के मुतक गालियों के मेल मिलाप मेल जोल से डरो कहीं ये कम वक्त गाली इनके अक़दा और अमल को ख़राब ना कर दें आसफ़ अलवी से बचाओ मुल्तानी की मुजलसों से बचाओ तोसवी की मजालस से बचाओ जो जो गाली है शौकत रज़ा शौकत की शायरी से बचाओ मैं नहीं कह रहा इमाम कह रहे हैं पुलिया दे दिया कानून दे दिया आपको इमाम ने अच्छा डरो कम वक्त तुम्हारे नौजवानों के कैदा को ख़राब ना कर दें क्योंकि ये गाली लोग खुदा की तमाम बड़ी बुरी मखलूक़ से भी बदतर हैं जो खुदा की अजमत को अकीर जानते हैं और इसके बंदों के लिए यानी आयमा के लिए रबूवियत का दावा करते हैं खुदा की कसम यह गाली यहूदी नुसरानी मजूसी और तमाम मशरू मशरकों से मेरी नज़र में बदतर बहार बहार जल्द साथ ये मामे जाफ़र सदक जिनके नाम से हम लोगों को मकतब जाफरिया नसीब हुआ और जिनके नाम से मनसूब है मकतब जाफरिया ये उनका फ़रमान है और सोशल बाईक से आगे चीज़ चली गई इधर क्रिश्चियन भी पीछे रह गए नुसरानी यहूदी मजूसी आतशप्रत सब पीछे रह गए उनसे भी बदतर कौन करार पाया है? इमाम की जुबान से गाली गाली कौन आइए अब इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं अच्छा जी अभी एक रिवायत और सुनते जाइए बहारुल अनवार की इंशाल्लाह शाला अफ़ाक होगा गालियत के मर्ज़ में अगर कोई मुबतला है और अगर को इनको तबीब समझता है तबीब रूहानी तबीब इंसानी समझता है आले मोहम्मद को तो वो इनसे दवा भी ले अपनी गालियत के वायरस की दवा भी ले इमाम फरमाते हैं कि यानी कम अज यही वो इमाम सदक सलाम से इस दफ़ा अली बिन सालम ने अपने वालद जनाब सालम से रवायत पेश की कि यानी कम अज कम वो चीज़ जिसकी वजह से आदमी दायरा ईमान से खारज हो जाता है वो ये है कम अज कम कम अज कम छोटी से छोटी चीज़ जिसकी वजह से इंसान अपने ईमान से हाथ धो बैठता है वो ये है क्या है सुनो किसी गाली के पास बैठे इसकी तवज्जो से बात सुनकर उसकी तस्दीक करे और मेरे मोहतरम सुनने वालों गाली जब मेंबर पे बैठा होता है कोई बात को किस्सा बताता है आपकी आगे से वाह वाह जो है वो तस्दीक के ज़ुमे में आती है और इमाम कहते हैं ये कम से कम दर्जा ईमान से खारिज होने का आखिरी दरवाज़ा आखिरी रास्ता ये छोटा रास्ता वो ये है कि किसी गाली की बात सुनो और उसकी तस्दीक करो और सुनना ही गुनाह है कफर है चाहे जायका की तस्दीक फिर फरमाया कि मेरे वालद माजिद ने अपने आबाऊ अजदाद से मुझ तक जनाब रसूल ख़ुदा सल्ला वसलम की यह हदीस शरीफ पहुँचाई क्या हजरत ने फरमाया कि मेरी उम्मत के दो ग्रोह ऐसे हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं एक हद से बढ़ जाने वाला गाली और एक दूसरा जो कदरिया का जबर का अकीदा रखते हैं यानी कि अल्लाह तला ने हमें इस चीज़ पर मजबूर किया यानी लिख दिया हम गुनाह करें तो वो लिखा हुआ है इसमें मारा गया कसूर है हमने किसी को मारना था तो ये लोहे महफूज में लिखा हुआ था इस तरह के अकीदे रखने वाले अच्छा जी ये अब आपने सारी रवायात सुनी ऐून अखबार रजा से असूलशरिया से बहारुल अनवार से अब वीडियो के अख्ताम पर मुख्तसरा थोड़ा सा फ़ैसला भी कर लेते हैं कि मुमकिन है किसी के जहन में ये आ जाए कि यार ये तो गालियों मफवाज़ा के बारे में अदीस हैं जनाब इनका हमारे शहन शहन मौज़म या इस तरह के बाकी जिनके नाम लिए गए हैं जिनकी फ़ोटोज़ लगाई गई इनसे क्या ताल्लुक तो आइए बात कर लेते हैं मेरे मोहतरम आपको एक धोखा यह दिया जाता है कि जनाब मौला अली के फ़ज़ाइल जितने भी पढ़ लें वो कासर ही हैं यानी कसर में ही आएँगे यानी कमी में ही आएँगे उनके फज़ाइल की कोई कुदी नहीं है ये है धोखा ये है गलत बयानी किज़ब बयानी जब मेरे मौला अली नसरात वाम के फ़ाइल के कोई कुदी नहीं है तो फिर वो कौन सी हद है कि जिसको आगे बढ़ जाने वाले को भी मौला हलाक होने वाला ग्रो कह रहे हैं तो पीछे रह जाने वाले को भी हलाकत की खुशखबरी सुना रहे हैं वही सुना रहे हैं अगर मेरे मौला की कोई हद ही नहीं है तो मौला अली बलागा में और शिया की एक रवायत के मुताबिक मौला अली ने यह क्यों कहा कि मेरे बारे में दो किस्म के ग्रोह हलाक हो गए एक हद से बढ़ा देने वाला जबकि हद है ही कोई नहीं ये हमें आपको पता है मौला अली को माजल्ला नहीं पता था तो एक हद से कम कर देने वाला अगर आयमा मासूमी के फ़ाइल की को हद नहीं है तो फिर ये कौन सा ग्रोह है जो उनको हाथ से बढ़ा कर गल गाली बनता है और फिर काफ़र और मशरक करार पाता है अगर हद ही कोई नहीं है तो फिर ये सारी रवायात माज़ल्ला हवा में सुना दी गई हैं जब हद है ही कोई नहीं तो ये धोखा इससे निकले गाली हर वो बंदा है जो इमाम को बतौर इमाम नहीं बतौर खुदा माज़ल्ला यानी इख्तियार के नुमान से खुदा तक ले जाता है गाली वो है जो मौला तो वसलाम ने जिस रब से सारी उम्र मांगा और मांगना सिखाया उस रब को छोड़ के लोगों को अली से मांगना सिखाए वो गाली जो अली से मांगे वो गाली जो दुआ का मुखातिब अल्लाह की जगह अली और अल अली, अली को करार दे वो गाली क्योंकि दुआ इबादत है इबादत अल्लाह के सवा किसी की नहीं हो सकती जो औलाद और शफा इनके वास्ते और वसीले से ना मांगे बल्कि इन्हीं से मांगे अल्लाह को बीच में से निकाली दे वो गाली अब ये सारी चीज़ें ये सारे मैार मौजूद हैं किताबों की तरफ रब्ता करेंगे तो आपको इन शाला ये सारी चीज़ें समझने को मिल जाएंगी हमारी वीडियोज़ का मकसद अगर सिर्फ मतम नजर शहरत तारीफ हो तो फिर हम ये मवाद आपकी खिदमत में कभी पेश ना करें हम भी फिर जनाब बैती गंगा में हाथ धोएं और अलहमदिल्ला अगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ सफ़र रूहानी का आखिरी पार्ट तकरीबन तैयार है उसमें आप सुनिएगा कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने इमाम जमा जल अल्लाह ताल के वसीले से हदायत नसीब ना की होती और मुझे उलमा से करीब ना किया होता तो मैं आपको बताऊं इन गालियों ने क्या मुजालस पढ़नी क्या फ़जाइल पढ़ने मैं अलहदुल्ला आपको पढ़ के बताता और पैसा कमा के दिखाता लेकिन रब शुक्र रब का लाख लाख शुक्र ला तदाद शुक्र कि अल्लाह इस तहीद वाली गुरबत को कबूल करते हैं तेरा शुक्र इस पर अदा करते हैं उस अमारत से उस अमीरी से कि जो हमें मशरक या काफ़िर या आयमा के बकोल जनाब वो गाली बना दे उस अमारत से उस मेरी से ये तोहद और वलायत पर मुबनी रूहानी सकून देने वाली गुरबत मंजूर है फ़ब हाँ हमें इस पर तेरा लाख लाख शुक्र करोड़ करोड़ शक्र कि तूने मुझे भी बदनसीब को गुनागार स्याकार को हिदायत के लिए चुना और मेरी राह सीधी करा दी और जनाब अल्लाह करे कि हमारे इस दावती कामों के सदक़े से वसीले से कई नौजवानों की सलाह हो जाए